तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इस क्लास में करंट अफेयर प्लस जीएस का टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अभी करंट अफेयर में चर्चाओं में है, राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल क्या होते हैं? अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि आम आदमी पार्टी जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, तो अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन देता है और इसके लिए क्या शर्तें होती हैं? क्या अभी तक आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं था? और नहीं था तो क्यों नहीं था? ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो कि राष्ट्रीय दल के लिए होनी चाहिए? हमारे देश में कितने राष्ट्रीय दल हैं और किनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अभी वर्तमान में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं जिनको ये नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, छह पार्टी हैं और छह दलों का नाम यहाँ पर अगर देखें तो बीजेपी है एक, और आईएनसी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, राहुल गांधी वाली कांग्रेस है ये, और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की मायावती जी की पार्टी है ये, और अगर हम बात करेंगे सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, एम का मतलब है मार्क्सवादी, ठीक है, और एनपीपी का मतलब है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये हमारे उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है मेघालय असम, यहाँ पर ये पार्टी देखने को मिलती है। अभी संगमा की सरकार भी वहाँ पर चुनाव था तो मेघालय में वहाँ पर ये पार्टी ने भी वहाँ पर बहुमत हासिल किया था मेरे ख्याल से बीजेपी के साथ। और यहाँ पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो दिल्ली में इनकी सरकार है और पंजाब में भी सरकार है। तो ये आम आदमी पार्टी को अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। और अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय दल के साथ कुछ ऐसे दल भी थे जिनका राष्ट्रीय दल का जो दर्जा था उनको समाप्त कर दिया गया, यानी कि पहले वो राष्ट्रीय दल थे लेकिन अब वर्तमान में वो राष्ट्रीय दल नहीं रहे। उन्होंने कौन सी शर्तें पूरी नहीं की कि उनको राष्ट्रीय दल से अब निष्कासित कर दिया गया है, हम इसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय दल का जो समाप्त कर दिया गया है, अभी तीन पार्टी हैं जिसमें अगर हम बात करेंगे, एक तो है टीएमसी, टीएमसी का मतलब है तृणमूल कांग्रेस, और ये दीदी की पार्टी है, और दीदी आप लोगों को पता है कौन सी दीदी की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी पार्टी है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना, और ये एम एन रॉय के द्वारा की गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, एम एन रॉय। अब अगर हम एनसीपी की बात करेंगे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो इसकी स्थापना 1999 में होती है, 1999 में। और ये जो राहुल गांधी वाली पार्टी है कांग्रेस, उसी का एक धड़ा अलग हो चुका था 1999 में, और 1999 में शरद पवार ने एक अलग पार्टी बना दी थी जिसको हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, यानी कि एनसीपी। और ये इनके जो नेता हैं वो शरद पवार हैं, शरद पवार जी इनके क्या हैं, नेता हैं। अगर हम टीएमसी की बात करेंगे तो 1998 में जो राहुल गांधी वाली पार्टी कांग्रेस है उनसे अलग होकर जो दीदी है ममता बनर्जी, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी जिसको हम तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं, जो अभी बंगाल में कार्यरत है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इन तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा यहाँ पर इनको समाप्त कर दिया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने कुछ शर्तें जो राष्ट्रीय दल के लिए होनी चाहिए उसको ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं अब। तो हम अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय दल को मान्यता लेने के लिए कौन सी बॉडी कार्यरत है, कौन इनको मान्यता देता है, क्या भारत सरकार मान्यता देती है या फिर कोई अन्य संस्था है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 जो कि चुनाव आयोग की बात करता है, यानी कि निर्वाचन आयोग की बात करता है। और निर्वाचन आयोग भारत में एक क्या है, संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, जिसकी स्थापना संविधान लागू होने के साथ की जाती है भारत में। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो चुनाव आयोग है उसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, इलेक्शन कराना, और जो इलेक्शन के समय में आचार संहिता लगती है आचार संहिता लागू कराना, उसके जो भी नियम कानून हैं उनको फॉलो करवाना, या फिर चुनाव की तारीख निर्धारित करना, चुनाव को सही ढंग से संपन्न कराना, अगर कोई दल है तो उसमें जो राष्ट्रीय दल उसको दर्जा देना है, राष्ट्रीय दल का दर्जा,
ये क्या है, चुनाव आयोग के कार्य हैं, ठीक है। और किसी सदस्य की जो सदस्यता है उसको रद्द करना है या फिर चुनाव संबंधित जो भी वाद विवाद होते हैं उनका यहाँ पर निर्धारण करना या फिर उनको सुनना, ये सभी कार्य हैं जो कि चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों को ध्यान में रखना है जो क्या है, यहाँ पर राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय दल का दर्जा भी चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो क्योंकि राष्ट्रीय दल से संबंधित यहाँ पर मैं टॉपिक आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूँ, तो मैंने अन्य कार्य चुनाव आयोग के यहाँ पर नहीं लिखे हैं, सिर्फ दो कार्य लिखे हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर जानना आवश्यक था। तो अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय दल के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने तीन शर्तें लिखी हैं, 1, 2, 3। इन तीनों शर्तों में से कोई एक भी शर्त अगर कोई एक पार्टी फॉलो कर लेती है उसको यहाँ पर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि तीन में से कौन कौन सी वो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या कह रही है, देखो, कम से कम 4 राज्यों के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट उनको हासिल करना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में या फिर लोकसभा के, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 4 राज्यों की यहाँ पर बात की गई है, ये की पॉइंट है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा गौर करके देखना कि कम से कम 4 राज्य की बात कर रहा है। 4 राज्यों में क्या होना चाहिए, वहाँ की लोकसभा सीट होनी चाहिए या फिर दोनों में से कोई एक विधानसभा की। तो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उनमें कम से कम 6% वोट हासिल करने चाहिए उस पार्टी ने। अगर कोई पार्टी ऐसी है जो 4 राज्यों में या फिर या तो लोकसभा में या फिर विधानसभा में 6% अगर वोट हासिल कर रही है, तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। और आम आदमी जो पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, वो इसी कंडीशन को फॉलो कर रही थी, इसलिए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पर इनको 6% से अधिक वोट दिया गया है। तो सबसे पहले तो गुजरात आप लोगों को ध्यान में रखना है, अभी गुजरात के चुनाव हुए थे हाल ही में, तो यहाँ पर लगभग इनको 12% वोट है जो कि हासिल हुए थे, तो यानी कि 6% से ज़्यादा होगी। और गोवा में इनको 6.8% इनका था वहाँ पर, तो 6% से ज़्यादा यहाँ पर गोवा में भी हो गया। और दिल्ली में तो इनका बहुमत है ही, 53% के आसपास है। और पंजाब में इनकी 42% के साथ यहाँ पर भी बहुमत हासिल है। तो आप लोगों को ये चारों राज्यों के नाम ध्यान में रखने हैं। और यहाँ से ये वाली जो कंडीशन है वो आम आदमी फुलफिल करती थी, इस वजह से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो अन्य क्या क्या यहाँ पर कंडीशन और हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, देखो, लोकसभा सीटों का 2% सीटें 3 राज्यों में, यानी कि जो लोकसभा की सीटें हैं अभी वर्तमान में 543 इन 543 का 2% सीटें, 2% सीटें कितना होगा, अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो ये 5.5 और 2% का मतलब 11-12 सीटें करीब। अगर 11-12 सीटें कोई भी पार्टी 3 राज्यों में हासिल करती है, लोकसभा की सीटें की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि विधानसभा की, इस बात को आप लोग की पॉइंट के रूप में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो फिर वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसको बड़ी अच्छे से समझ लो कि लोकसभा की सीटें 2% होनी चाहिए कहाँ पर, 3 राज्यों में। अगर ऐसी कंडीशन कोई पार्टी फॉलो करती है, फुलफिल करती है, तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। यहीं पर आप लोग तीसरी कंडीशन देखेंगे, कम से कम 4 राज्यों में, कितनी की बात हो रही है, 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो क्षेत्रीय दल का दर्जा भी यहाँ पर कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को होना चाहिए। अगर ऐसा कोई पार्टी फॉलो करती है तो उसको भी राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इन तीनों में से कोई एक शर्त, ऐसा नहीं कि तीनों, अगर तीनों की तीनों फॉलो कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर इनमें से एक भी कर रही है तो उनको भी राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी पहला जो कंडीशन है वो फॉलो करती है। और आप लोग कहेंगे कि फिर जो अखिलेश की पार्टी है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, तो क्या वो राष्ट्रीय दल है, नहीं है? तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि 6 दल हैं जो कि राष्ट्रीय दल हैं, तो बाकी जो अन्य दल हैं वो क्षेत्रीय दल हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे सपा की, तो वो एक क्षेत्रीय दल है। और जैसे अगर हम नीतीश की बात करेंगे, नीतीश यादव
लालू यादव की बात करेंगे, जो बिहार में आरजेडी पार्टी है, ये क्षेत्रीय दल है, तो इनको राजनीति राष्ट्रीय दल का दर्जा अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि ये तीन कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग से भी ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी निर्वाचन आयोग की, जो मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में भी डिस्कस की थी, जो कि नियुक्ति से संबंध था, तो वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी इस क्लास से भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मेंस में भी बन जाएगा कि टॉपिक आप लोगों को, कि कोई अगर मेंस का पेपर लिख रहा होगा तो वहाँ पर ये जो तीन पॉइंट हैं कि किसी भी राष्ट्रीय दल को मान्यता देने के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए, ये पॉइंट आप लोग मेंस में भी लिख सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। और तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।